नमस्कार इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में अब समय हुआ है हरियाणा जीके की एक और क्लास का। तो हम आपके लिए एक लाइन वाले 50 क्वेश्चंस की एक और सीरीज नंबर 13 लेकर हाजिर हैं। तो इससे पहले कि हम ये सीरीज शुरू करें, आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच सके। और दोस्तों बता दूँ, ये आपके हरियाणा के किसी भी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर है चौधरी छोटूराम ने जमींदार लीग की स्थापना की। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो कुंडली के एमपी जिसका पीएम मोदी ने अभी इनोग्रेशन किया है, उसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है। सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? तो हरियाणा में सैनिक स्कूल 2008 में रेवाड़ी में खोला गया। कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल किस वर्ष बना? तो कुंजपुरा करनाल में 1961 में सैनिक स्कूल बना। हरियाणा का कौन सा नगर एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा दोस्तों आपका सोनीपत। सोनीपत इन हरियाणा नोन एज एजुकेशन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोरखपुर फतेहाबाद परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो गोरखपुर फतेहाबाद बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट यानी 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? प्रस्तावित है तो ये है आपका जसोर खेड़ी झज्जर में न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? चंद्रावती ये हरियाणा की पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी थी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक राजस्व यानी रेवेन्यू जनरेट होता है? तो गुरुग्राम से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC। हरियाणा लोक सेवा आयोग का हरियाणा SCS हरियाणा सिविल सर्विस का आपका अध्यक्ष है मनवीर सिंह भड़ाना। कौन है? मनवीर सिंह भड़ाना। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? तो हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस एन के अग्रवाल। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? तो अमोनिया का प्लांट पानीपत में स्थित है। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करते हो तो 1,00,000 रुपए की आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो वो कुरुक्षेत्र में आपका आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 41,000 रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 1,091 में आपका महिला हेल्पलाइन नंबर है। हरियाणा में कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जी माधवन। फिर 2014 से 2015 के दौरान स्थिर मूल्यों पर हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 71,493 रुपये हरियाणा में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान सृजित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? तो ये सुब्रत ज्योत्सना जो आपातकाल के दौरान लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 1857 में शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है? अम्बाला में 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में आवंटित किया गया है? तो बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु झारखंड में कल्याणपुर और बादलपारा कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है। हाली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हाली पुरस्कार हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। हरियाणा के 21 मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी लागू करी थी। पानीपत और सोनीपत किस जिले कब अस्तित्व में आए? तो भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जिला कब बना? तो 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बना। नेक्स्ट है, सिरसा जिला कब बना? तो ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते लेकिन आपकी रिवीजन हो जाए इसलिए ये भी मैं आपको बता ही चलता हूँ। सिरसा जिला 26 अगस्त 1975 को बना। फरीदाबाद जिला कब बना? फरीदाबाद आपका 2 अगस्त 1979 को। वहीं पानीपत 1 नवंबर 1989 को बना। कैथल रेवाड़ी और यमुनानगर 1 नवंबर 1989 यानी पानीपत कैथल रेवाड़ी और यमुनानगर 1 नवंबर 1989 को बने। पंचकूला को जिले का दर्जा कब मिला? तो पंचकूला 15 अगस्त 1995 को जिले का दर्जा मिला। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए? तो 2715 यानी 2715 लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए? 340। टोटल 2715 शामिल हुए थे और 340 शहीद हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल में जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे?
तो 1886 के नेशनल आंदोलन में बाबू मुरलीधर हरियाणवी थे जो जेल में गए थे। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता पंडित नेकीराम शर्मा थे। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? यूनियनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता चौधरी छोटूराम थे। पहला प्रश्न भी उन्हीं पे था, जमींदार पार्टी किसने बनाई? चौधरी छोटूराम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद और झज्जर जिले कब बने? तो 15 जुलाई 1997। मेवात जिला कब बना? 4 अप्रैल 2005 में। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? 13 अगस्त 2008 में। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस है, तो राव तुलाराम का शहीदी दिवस 23 सितंबर को है, इसलिए ना वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? देशी रियासतों में जो आंदोलन चला था उसे प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया? 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला पंजाब सरकार ने लागू किया। पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो इसका जवाब है दोस्तों सरदार हुकम सिंह के नेतृत्व में संसदीय समिति का गठन हुआ। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? हुकम सिंह की सिफारिश पर 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग बनाया गया और सीमा आयोग का नाम था जेसी शाह आयोग। तो जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त, श्री एमएम फिलिप, ये 3 सदस्य थे। फिर आगे चलते हैं, शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो शाह आयोग ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दी। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया? भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक 18 सितंबर 1966 को पास किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ट्रिपल बी यानी भारत भूषण भारती हरियाणा चयन आयोग कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं भारत भूषण भारती। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं, तो आप हम डेली की डेली ये अपडेट आपके लिए लगते रहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और तब तक आपका दिन शुभ हो।